रोटेशन देखे कहाँ थे, कहाँ से कहाँ तक का सफर उन्होंने तय किया, पूरा ईस्टर्न फ्रंट से घूम के अब वो जोन के अंदर पहुंचे हैं, मेडल भी जोन के अंदर है और ये ओमेगा की टीम के ऊपर पूरा जोन का प्रभाव, रेकनिंग को मिलेगा जोन, ओमेगा को मिलेगा जोन। लेकिन यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा है कि सेंसी बच पाएंगे। सेंसे का बचना मुश्किल है, रिवाइवल अभी भी पॉसिबल है, बट रेवेनेंट ने यही बात चुना है, वो अग्रेशन के साथ ही खेलना चाहता है। गॉटला एक जोन के अंदर जाना मुश्किल क्योंकि जोन उनसे बहुत दूर जा चुका है। वही टीम ओमेगा शांतिपूर्वक इंतजार कर रहे हैं अपने शिकार की, बिकॉज जोन इनके ऊपर, जोन का पूरा एडवांटेज इनके पास और चारों प्लेयर्स के साथ वो तैयार हैं पटने। जजॉ टेक्स हंटर्स डाउन एज वेल। टीम ओमेगा किसी को जोन के अंदर इतनी आसानी से तो आने देगी नहीं, बट विनगॉर्ड को देखिए क्या शानदार रोटेशन करी है, एक हायर ग्राउंड एडवांटेज मिलेगा इनको वहाँ पे। रेकनिंग इसी बीच एलिमिनेट होती हुई, लेकिन टीम ओमेगा की पोजीशन क्या बात है, बेहतरीन पोजीशन। मैं कहूंगा टीम ओमेगा को चैलेंज सिर्फ और सिर्फ इस वक्त विंडगॉड से हो सकता है, क्योंकि विंडगॉड के पास हायर ग्राउंड है। इवन दो विंडगॉड भी सर्कल के अंदर आ चुके हैं, एलिमिनेट हो गई, गॉडलाइक भी एलिमिनेट होगी, नीचे जोड़ का वो स्प्रे आया, बैक को यहाँ पे खत्म किया जाएगा। गॉडलाइक दैट्स ओवर, वो कंसिस्टेंसी, वो बैक टू बैक अच्छे गेम वो नहीं दिखा पाए, बट स्प्रे गॉड अभी भी हैं और स्प्रे गॉड काफी बेहतर भी करते हुए। ग्लोबल ईस्पोर्ट्स निंजा बॉय ही इज आल्सो ऑन फायर। मेडल के सैयम को भी यहाँ पे डाउन किया जाएगा, मेडल ईस्पोर्ट्स दो तरफा बाद में फंस चुकी है। ग्लोबल ईस्पोर्ट्स एक और टीम जिनका लास्ट मैच अच्छा गया, दोनों टीम्स इन फैक्ट गॉडलाइक ग्लोबल ईस्पोर्ट्स दोनों जल्दी खत्म हो गए इस मैच में। अपोलो टीम और क्लाउड तीन खिलाड़ी बचे हुए हैं, टीम एंटिटी सरवाइव कर रही है, लेकिन इसी बीच विंडगॉड अपना अच्छा खासा अग्रेशन दिखाते हुए, इवन दो फ्रैक्स इतने सारे नहीं आए हैं लेकिन नॉक बहुत सारे आ रहे हैं। ट्रेगॉड को ओपन में स्पॉट किया गया है, काफी दूर से स्प्रे तो किया कर नीचे मिला है, लेकिन इस बार नॉक नहीं मिल पाया। टीम ओमेगा वर्सेस टीम विंडगॉड, ये फाइट दोनों के लिए खतरे का सर खतरा साबित हो सकती है। देखने वाली बात है, बिकॉज जोन तो चला गया, टीम ओमेगा अब इस जोन में किस तरह से जाएगी यही डिफाइन करेगा कि वो जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। बट जैसा आप कह रहे थे, एक प्लेयर निकल चुका है, उसके पास उनका एडवांटेज है, बाकी प्लेयर्स किस तरह से उसके प्लेयर के पास जाएंगे वो भी देखने वाली बात। बट विंडगॉड के पास क्लियरली एक हायर ग्राउंड है एंड वहाँ से वो उस गेम को पलट भी सकते हैं। WSP मीनवाइल अगेन टेबल टॉपर्स हैं, ओवरऑल स्टैंडिंग में हम जानते हैं इनकी पोजीशन काफ़ी अच्छी है, और यहाँ से वो अगर गेम में कुछ भी अंक लेके जाते हैं तो लीड को और ऊपर लेके जा सकते हैं। इस वक्त इस मैच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इस बड़े चिकन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है टीम विंडगॉड को, लेकिन फिलहाल के लिए ज़रूरत तो देखिए चिकन और पॉइंट्स की हर टीम को होती है। टीम ओमेगा अब अंदर की तरफ बढ़ेंगे, ज़ेरेफ को टेक डाउन कर दिया गया है एकी द्वारा, यहाँ से हेक्टर भी स्प्रे कर रहे थे, आरएनटी अपोलो को स्पॉट किया है, डूम को भी स्पॉट किया, स्प्रे किया, मिला है एक नॉक, अगर यहाँ पे दोबारा से स्प्रे करते तो फायदा हो पाएगा। क्लाउड भी वहां से कवर फायर देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फायदा हुआ नहीं, एंटिटी एलिमिनेट होती हुई। नाउ वी आर इनटू द फाइनल टू, एंटिटी तो एलिमिनेट हो चुकी है लेकिन विंडगॉड अभी भी मौजूद, चिकन डिनर के काफी ज्यादा नजदीक है टीम विंडगॉड एंड टीम ओमेगा दोनों टीम। मैं आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था जिस तरीके की पोजीशन थी, टीम विंडगॉड वर्सेस टीम ओमेगा के चांसेस बन रहे थे, बहुत ज्यादा मुश्किल टीम ओमेगा के लिए यहाँ पे, क्योंकि विंडगॉड के पास हाई ग्राउंड है, लेकिन ये देखिए हेक्टर तो स्पाइडरमैन बने हुए हैं। आप हाई ग्राउंड को भूल जाइए, इस अग्रेशन को तो देखिए, पहाड़ के ऊपर चढ़ के यहाँ पे प्रहार करते हुए प्लेयर्स विंडगॉड, उनके पास अभी 14 फिनिशेस ऑलरेडी है, क्या खेला है विंडगॉड ने, स्प्रे गॉड आए हैं और साथ में अच्छी कॉम्बिनेशन बना, बट स्प्रे गॉड डाउन भी हुए हैं, वो नेट्स की वर्षा हो रही है, एक मिनी रेड जोन सा बना दिया है टीम ओमेगा ने, और वो रुक भी नहीं रहे, बट कितना अग्रेशन दिखाते हुए, क्या अग्रेशन काम आएगा, पहाड़ चढ़ाई कर दी स्मोक करके, नेट करके, गाड़ियां लेके सामने प्लेयर्स दोनों नॉक, विंडगॉड केवल दो प्लेयर्स, एक गाड़ी दो प्रहार, चलिए एक और प्लेयर डाउन, अक्षत का यह गाड़ी से पोषण, हियर यू गो टीम ओमेगा, एक शानदार विना चिकन डिनर, बहुत गजब तरीके से टीम ओमेगा ने पुश किया, ये चिकन डिनर था नहीं, जिस हिसाब से पोजीशन बनी थी ये चिकन डिनर था नहीं, ये चिकन डिनर था टीम विंडगॉड का, लेकिन टीम ओमेगा हेक्टर की आईजी लिंग